गाइस, और थर्ड वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तहे दिल मुझे नहीं पता क्या बोलता, आई डोंट रियली रिमेम्बर। और तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करने वाले HTML का थर्ड वीडियो ऑफ कोर्स, और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडी एंड क्लास की। तो आईडी, क्लास और हम इनपुट टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स जस्ट हॉप इनटू इट। और ये हमारा HTML का था, ये है हमारा HTML पेज। अब यहाँ पे मैं सेव करूँगा। सबसे पहले इसको सेव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो पिछली बार हम देख रहे थे इनपुट टाइप के बारे में। अब मैं यहाँ से टैग से स्टार्ट करता हूँ। ऑफ कोर्स टैग लगाना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी स्पीड को भी फिर देखूंगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक चीज़ आती है, टाइप। इनपुट की कौन सी टाइप है? अब यहाँ पे नंबर है, पासवर्ड है। पासवर्ड के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, रेंज, रीसेट और आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं नंबर, पासवर्ड। ओके, पासवर्ड की बात कर लेते हैं। चलो, अब एक और चीज़ होती है जो आपको आपके पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का और अच्छा बना सकती है, वो है प्लेस होल्डर। यार मेरे वीडियो इधर क्यों कर रही है, इधर आ जाओ। ओके ओके, तो प्लेस होल्डर जो है वो क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ। एंटर पासवर्ड, इट सीक्रेट। ऑफ कोर्स पासवर्ड को कौन ओपनली बोलना चाहेगा, हे गाइस मेरा पासवर्ड 123 है। ओके, तो कुछ ज़्यादा लंबा भी नहीं रखना चाहिए, वरना वो पूरा डिस्प्ले नहीं होगा। इसलिए मैं करने वाला हूँ पासवर्ड तक ही। ओके भाई, ठीक है। पासवर्ड Ctrl+S, Ctrl+3 एंटर पासवर्ड। तो यहाँ पे देखिए पीछे आ गया है, और हमारा कुछ भी टाइप करना चाहेंगे ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे वो आ जाएगा। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमने ये पासवर्ड के बारे में, अभी आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। प्ले आप प्लेस होल्डर तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। टाइप टाइप हम रेडियो कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स होती हैं। आप इट डिपेंड्स ऑन का फॉर्म किस चीज़ से रिलेशन है। और अब हम बात करने वाले हैं आईडी और क्लास की। इनपुट का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो CSS से रिलेटेड होने वाली है, इसलिए हमें चाहिए होगा आईडी एंड क्लास। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे div है। अब div को एक स्पेसिफिकली अगर हमें ऑर्डर देना है, जैसे कि div का कलर ये चेंज करो। अब हम नॉर्मली div भी डाल सकते हैं, पर अगर हमारे फाइल में बहुत सारे डिव हैं तो क्या करेंगे हम? अगर हमारे पास बहुत सारे डिव हैं तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम उसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे। div1 का नाम है 123, div2 का नाम है 432, जो भी हो। तो एनीथिंग डिपेंड्स, तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे है आईडी, एक चीज़ होती है, एक उसको स्पेसिफाई करने के लिए। अब उसका कुछ भी नाम डालिए, box1। अब ये जो इतना सेक्शन, उसका नाम है box1, हमने उसका नाम डाल दिया। तो आईडी से हर चीज़ को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आप उसको सिलेक्टिवली कस्टमाइज कर सकते हैं। अब वो कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं वो तो बाद के एपिसोड, कल कि वीडियो में, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं हम। अब कुछ भी डाल सकते हैं, पर क्लास क्या होती है ये तो मैंने बताया नहीं। तो क्लास में आपको अभी बताता हूँ क्लास क्या होती है। तो आईडी की जगह एक चीज़ होती है क्लास। क्लास क्या होती है? अगर जैसे कि यहाँ पे div1 है, यहाँ पे div2 है, यहाँ पे div3 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे तीन div बना देता हूँ। अभी के लिए मैं क्लास हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ Ctrl+C और Ctrl+V। ऑप्स, जैसे मैंने Ctrl+C दबा दिया वापस, Ctrl+V, एंटर एंटर Ctrl+V।
और मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ भी, आई एम कूल, आई एम कूल और आई एम कूल, तो यहाँ पे तीन अलग अलग स्टाइल्स में लिखा है मैंने। तो क्या हमें, अगर हमें यहाँ पे आई एम कूल, आई एम कूल, आई एम कूल है हमारे पास, तो अगर हमें आई एम कूल ये वाला और आई एम कूल ये वाले दोनों को सेम चीज़ करनी है, तो अगर हम कोई स्पेसिफाई करेंगे डिव, तो अगर हमने वहाँ पे स्पेसिफाई किया डिव, तो ये तीनों जितने भी आपके पास इस फाइल में डिव हैं वो सारे उठा लेगा। आईडी सिर्फ एक के लिए होती है, तो सिर्फ एक आएगा इसमें, दूसरा नहीं आ पाएगा। अगर आपने कोई दूसरा डाला हुआ, एरर दे देगा, एरर दे देगा, मतलब यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल, कंसोल में देगा या पता नहीं, वो काम नहीं करेगा आप जो जैसा करना चाहेंगे। तो उसके लिए एक चीज़ होती है क्लास। अब क्लास होती है, उससे हम नाम डालेंगे बॉक्सेस, बॉक्सेस होते हैं है ना, बॉक्सेस, बॉक्सेस वन, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता बॉक्सेस, सॉरी गाइस मुझे स्पेलिंग नहीं याद आ रही, ऑफकोर्स बॉक्सेस, हाँ, या हम डाल दे पी वन, पैरामीटर वन बॉर्डर है ना, और हम यहाँ पे डाल दें क्लास पैरामीटर वन, हो गया ये। अब हम लोग इसका कलर चेंज करना चाहेंगे, तो कलर चेंज पी वन, और पी वन ने दोनों उठा लेगा क्लास, ये दोनों क्लासेस को वो उठा लेगा और उसको वो चेक करेगा। अब ये तो आपने देख लिया कि क्या होता है एक आईडी और एक क्लास। अब हम थोड़े बेसिक और चीज़ों के बारे में बात करेंगे एचटीएमएल में, जो कि आते हैं इनपुट के बारे में बात की, बटन भी हमने बात की। अब ये देखिए, बटन जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं टैग में नहीं लिखा क्योंकि एचटीएमएल, आप अगर हम यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे अपने आप वो बना देगा टैग्स में, एचटीएमएल हम लोग काम कर रहे हैं उसको पता है, नोटपैड में ऐसा काम नहीं करेगा गाइस। तो बटन डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड अब ऐसे काम करेगा, तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, आई एम डिसेबल्ड, कंट्रोल सेव और रीलोड। अब देखिए ये डिसेबल्ड है, हम इसके बाद क्लिक नहीं कर सकते, तो ऐसे काम करेगा ये डाल दो, तो डिसेबल्ड को हटा दें यहाँ पे, अब मैं इसको हटा दें। अब देखिए कंट्रोल सेव, कंट्रोल रीलोड, आई एम डिसेबल्ड नहीं है, तो ऐसे काम करता है। तो अब आपने देखा कि आईडी क्या होती है ये आपको पता है, क्लास क्या होती है ये आपको पता है, इनपुट के टाइप्स कैसे होते हैं ये आपको पता चल गया। अगर बहुत सारे आप एक्सप्लोर करेंगे आपको थाउजेंड, थाउजेंड नहीं होंगे कुछ तो होंगे ही, पर बहुत यूज़फुल होते हैं वो, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा वो। और हमने अभी देखा बटन डिसेबल्ड कर सकते हैं हम, इसको भी आप देख सकते हैं एक्सप्लोर करते करते, मैंने थोड़ा। और तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एचटीएमएल के टेबल्स, व्हाट आर टेबल्स, तो हम टेबल्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेट्स बिगिन। तो टेबल्स जो हैं उनको कैसे लिखते हैं, अब आप कुछ भी टेबल बना रहे हैं तो इसमें काम आते हैं ऑफकोर्स, तो कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए एक चीज़ होती है टेबल टैग। हर चीज़ का टैग होता है एचटीएमएल में भाई, एचटीएमएल एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं है, पर इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो इसमें इतने सारे टैग्स टैग्स नहीं होंगे, बट एज द वर्क इंक्रीजेस द वर्क ऑल्सो, मतलब द एफिशिएंसी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो टेबल टैग, अब इसके अंदर एक और टैग होता है टी आर, टी आर टैग, और इसके अंदर एक और टैग लिखेंगे हम टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग। तो अब ये एक फॉर्मेट होता है, और टी एच के बाद
आएगा एक चीज टीडी। अब मैं टेबल बना के नहीं दिखा रहा हूँ, इसके लिए भी सीएसएस लगेगी अच्छे से बनाने के लिए। तो मैं बस तीन चीजें होती हैं, मतलब ये कितने हैं, एक दो तीन चार, ओके चार है। तो इनके भी एंडिंग्स होते हैं ऑफकोर्स। तो टेबल जो है, टेबल टैग है, तो टेबल का जो आउटर हिस्सा है वो टेबल है। अब टेबल के अंदर आता है टेबल ये टी आर, और उसके अंदर आता है टी एच टेबल हेड, और उसको एंड करेंगे। फिर उसके बाद टी आर वापस लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे टेबल डायरेक्टरी, और उसके अंदर लिखेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर जितने आप बनाना है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, ये बहुत छोटी वीडियो गया, तो कोई बात नहीं। अगले वीडियो में सीएसएस है, तो सीएसएस की तो बहुत ही लंबी वीडियो बनने वाली है। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। तो दैट इज गोना बी वेरी गुड वीडियो। तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, कमेंट एनी डाउट्स सजेशंस, और अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो, इफ आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो जी लो अपनी जिंदगी।